हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे कविता टॉक ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है एकादशी, देवउठनी ग्यास भी बोलते हैं जिसको। तो ये तुलसी विवाह हमारे जो मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पे हो रहा है, और सभी माताओं बहनों ने मिलकर बड़े ही अच्छे से धूमधाम से तुलसी विवाह की। आप देख ही सकते हो, मैंने आगे से वॉइस नहीं कट की है। और जिन्होंने भी ये चीज़ सोची कि तुलसी विवाह हमें करना चाहिए, सभी माताएं बहनों का उसमें सहयोग होना चाहिए, आनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा सोचा उन्होंने। क्योंकि तुलसी विवाह हमें ज़रूर करना चाहिए, साल में एक बार होता है, अपने घर में कीजिए या फिर जैसे हमने सभी ने मिलकर अच्छे से किया। और तुलसी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, सभी देवताओं का आशीर्वाद आपके सर पे हमेशा रहे, आप हमेशा खुश रहो। होकर आ रही है।
भगवान का और भजन के मिसरानी को बुलाते हैं। घर की सभी औरतें बैठकर देव उठाती हैं, परात के ऊपर उलट उलट पलट के हाथों की उंगली लगाती हैं और मुंह से कहती जाती है, उठो देवा, बैठो देवा, पामरिया चटकाओ देवा, देवा सोई चारों मास बराबर,
सोए, ऐसे ही गाते गाते परात को सीधा करके रख देती हैं। हल्दी चावल से पूजती हैं, गन्ने का रस निकाल कर पिला देती हैं, पैर छूती हैं, फिर बधाया गाती हैं, एक घंटी में पानी भी रखती हैं, सब सामान मिसरानी को दे देती हैं। खाने में कुट्टू की पूरी, पकौड़ी, शकरकंदी, सिंघाड़े उबाले हुए खाते हैं। त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने के लिए, प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इशारा ज्ञान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोल तो बेटा चला दियो। जब तक पूरे ना हो जब तक पूरे साथ ना जब तक पूरे ना हो इधर यहाँ पे साथ मेरे ना साथ घुमा दो घुमा दो Thank you.
फेरे लगा लेते ना घूम के सालिग्राम को साथ में लेके तुलसी गाय के साथ फेरे लगाते खड़े होकर साथ हो जाते ये नहीं हो पाएगा बंद करूँ और ले लिया मैंने Thank you.